नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा में। दोस्तों, आज के इस पैकेज में हम कचरी जैसी एक नायाब सब्जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कचरी के क्या क्या स्वास्थ्य लाभ होते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि क्या आप जानते हैं कि कचरी स्वयं उगने वाली एक पतवार है, इसकी खेती नहीं की जाती। कचरी को फल की तरह, सब्जी की तरह कच्चा, पक्का और सुखा कर हर प्रकार से खाया जाता है। और क्या आपको मालूम था कि कचरी के फल के साथ विभिन्न भाषाओं में अनेक मुहावरे भी जुड़े हुए हैं? चलिए अब जानते हैं कचरी के स्वास्थ्य लाभों के बारे में। कचरी राजस्थान तथा आसपास के प्रदेशों की एक सुप्रचित तरकारी है। कचरी से बनी हुई सब्जी अत्यंत स्वादिष्ट एवं रुचिकर होती है। कचरी के साथ मिर्च या कचरी के साथ आलू इत्यादि का मिश्रण करके सब्जी भी बनाई जाती है। जब ये फल कच्चे होते हैं तो हरे एवं सफेद रंग लिए हुए चितकबरे प्रतीत होते हैं तथा अत्यंत कड़वे भी होते हैं। पकाने पर यही पीले पड़ जाते हैं। अधपकी एवं पूरी तरह से पकी हुई कचरियों से अत्यंत मधुर और भीनी भीनी खुशबू आती रहती है। इसलिए बहुत से लोग केवल सुगंध के लिए ही कचरी को अपने पास रखते हैं तथा बार बार इसे सूंघकर इसकी खुशबू से खुश होते हैं। कचरी को उगाया नहीं जाता है, अपितु इसके बेल वर्षा ऋतु में विशेष रूप से खरीफ की फसल के समय खेतों में स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। ये सितंबर तथा अक्टूबर के महीनों में मिलती है। कचरी में अनेक औषधीय गुण भी होते हैं। आयुर्वेदीय शास्त्रों ने इसे कर्कटी वर्ग की वन औषधि माना है। आयुर्वेदीय ग्रंथों के अनुसार कचरी की बेल खीरे जैसी होती है, किंतु उससे लंबाई में कुछ छोटी होती है। इसके पत्ते छोटे तथा 4 इंच तक लंबे तथा 6 इंच तक चौड़े, नरम तथा कोमल होते हैं। आकार में बिल्कुल ककड़ी के पत्तों जैसे ही होते हैं। कचरी के बेल में छोटे छोटे पीले रंग के खूबसूरत फूल लगते हैं। भाद्रपद मास में छोटे छोटे लंबे गोल फल लगने लगते हैं। यही फल कचरी कहलाते हैं। कचरी को आयुर्वेद में मृगाक्षी कहा जाता है और कचरी बिगड़े हुए जुखाम, पित्त, कफ, कब्ज, परमेह सहित कई रोगों में बेहतरीन दवा मानी गई है। ये तिक्त रंस वाली, विपाक में अम्ल वातनाशक, पित्त कारक तथा पुराने बिगड़े हुए जुखाम को कम करने वाली दीपन तथा उत्तम रुचिकारक है। पर दोस्तों ध्यान रखें, पकी कचरी को सीधे ही बिना सब्जी बनाए ज्यादा खा लेने से मुंह में छाले हो जाते हैं तथा जीभ भी कटफट जाती है। कुछ लोगों को इससे बुखार भी आ जाता है। बड़ी कचरी के बीज को माशे की मात्रा में लेकर चावल के धोवन के साथ पीसकर छानकर उसमें थोड़ा लाल चंदन घिसकर मलिए। पेशाब की कठिनाई वाले रोगी को पिलाने से पेशाब खुलकर आने लगता है। दोस्तों, कच्ची कचरी का साग दस्तों में उपयोगी माना जाता है। तंबाकू का सेवन करने वालों के लिए भी कचरी लाभप्रद है। सुखाई हुई कचरियाँ रुचिकारक, दीपन, दस्तावर तथा भोजन में अरुचि, पेट के कीड़ों, जड़ता इत्यादि को दूर करने वाली होती है। दोस्तों, हमें यकीन है कि कचरी के इतने सारे फायदे जानने के बाद आप इसको खाना जरूर पसंद करेंगे। हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। धन्यवाद।